गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी एम क्रेजी में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आए होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम पहुंच गए अग्रोहा धाम और हमने पार्किंग में लगा दी है और अब हम जा रहे हैं अंदर। वो पापा आ रहे, बहुत तेज धूप है, धूप तो ऐसी है बस पूछो मत। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अग्रोहा धाम जो हिसार के अंदर आता है। बेसिकली हिसार डिस्ट्रिक्ट लगती है बट जो मंदिर है वो हाईवे पे बना हुआ है, नेशनल हाईवे 9। और मैं यहाँ तब आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 3 साल की थी तो मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा मन था कि इस बार मैं अग्रोहा धाम में दर्शन करके आऊँ, तो हम आ गए हैं अग्रोहा धाम और करते हैं दर्शन। और मंदिर जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा पार्क है इसका, बहुत ही सुंदर बना रखा है। आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस है उस पे 2 हाथी हैं और उस पे वीणा, पता नहीं से क्या कहते हैं, बजा रहे हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान और अर्जुन है गेट पर, कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, महाभारत का एक चित्र दिखा रखा है। और अगर आप जानते होंगे जो अग्रोहा धाम है उसका जो इतिहास है वो महाभारत टाइम से ही जोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद महाराजा अग्रसेन यहाँ पर आए थे अग्रोहा टीले पर। उन्होंने अग्रोहा टीले पर अपना फिर साम्राज्य स्थापित किया था, महाराजा अग्रसेन ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर और हमें पता चला कि अभी तो मंदिर के कपाट जो है वो है बंद। मैंने जब गूगल किया था तो गूगल पे लिखा आ रहा था 24 आवर्स ओपन, बट यहाँ आई तो पता चला 2 बजे ये मंदिर के कपाट जो है वो खुलेंगे। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, हम इतनी दूर से आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारी, आप कह सकते हैं बहुत सारे स्टैचूज थे। ये गांव का सीन दिखा रखा है कि भगवान का मंदिर है और लोग बैठे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर ये श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पे विराजमान है, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। ये था मेन मंदिर जहाँ पर है माता लक्ष्मी की मूर्ति। और जो अग्रोहा धाम है, अग्रोहा मंदिर बेसिकली जो समर्पित है वो माता लक्ष्मी को ही समर्पित है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे महाराजा अग्रसेन ने माता लक्ष्मी की उपासना की थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़े भक्त थे माता लक्ष्मी के। तो माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं हमेशा आपके कुल में वास करूंगी। तभी से जो अग्रवाल समाज है, महाराजा अग्रसेन के जो वंशज है, वो माता लक्ष्मी को अपनी कुल की देवी मानते हैं और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और उसके बाद बच गए थे 2, तो हमने किए दर्शन। ये हैं भगवान कल्कि और महा जो विष्णु है, आप कह सकते हैं महाविष्णु के अवतार दिखा रखे हैं, ये श्री हरि विष्णु के अवतार दिखा रखे हैं। और कल्कि उनका कलयुग का अवतार होगा, जो कलयुग में जो वो अवतार लेंगे उसे कल्कि कहा जाएगा। तो ये भगवान कल्कि के बारे में, कल्कि भगवान को दिखा रखा है। उसके बाद हमने जो दर्शन किए वो किए माता शारदा के, माँ सरस्वती के हमने दर्शन करे। माँ सरस्वती बजा रही हैं वीणा और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उसके बाद हमने जो दर्शन किए वो माता लक्ष्मी के थे, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि माता लक्ष्मी का ही मंदिर है। और माता रानी ने बहुत ही सुंदर आभूषण धारण कर रखे थे, बहुत सुंदर वस्त्र, और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी और ऐसा लग रहा था माता रानी मुस्कुरा रही, मतलब इतनी सुंदर प्रतिमा थी उनकी कि मन मोहित हो जाए, पर मन आनंदित हो जाए। तो आप भी दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए। और फिर माता लक्ष्मी जो है ना बिल्कुल सेंटर में एंट्री करते हुए, और फिर राइट साइड में माता सरस्वती हैं और लेफ्ट साइड में जो है अग्रसेन है। अगर आप जानते होंगे अग्रसेन महाराज ने, जो महाराज अग्रसेन थे वो महाभारत काल के बाद यहाँ पर आए थे अग्रोहा टीले पर, और उन्होंने अग्रोहा टीले को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद हम गए गुफा में दर्शन करने। यहाँ पर अमरनाथ की गुफा और माता वैष्णो देवी की भी गुफा बना रखी है। और अगर आप जानते हैं कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 1976 में स्टार्ट हुई थी और आज तक कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है। और ये जो गुफा थी ना, पता है बीच में तो कहीं कहीं ऐसे आपको इतना झुक के निकलना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा,
ये इन्होंने अमरनाथ बना रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस पे जो है बर्फ जमती होगी, अभी तो ये मेरे को स्टील के ही दिख रहे थे। एक सेकंड को तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे लगा नहीं नहीं यही शिवलिंग है, शायद इसमें ये इलेक्ट्रिक होगा, इसमें बर्फ जमती होगी। फिर यही गुफा में साइड में राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, शायद ये झूला झूले झूला झूले, एक मुझे गाना याद आ गया सॉरी, झूला झूले वो ऐसे कुछ है करके भजन। और अब हम करते हैं तिरुपति भगवान के दर्शन। बालाजी महाराज भी कहते हैं तिरुपति बालाजी महाराज, और इन्हें गोविंदा भी कहते हैं। अगर आप तिरुपति में जाओगे तो वहाँ से बोलते हैं सब गोविंदा 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 हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। मुझे याद आ गई क्योंकि हम दर्शन करके आए थे तिरुपति के, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एग्जिट बहुत शानदार बना सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा शेर है और उसका उतना ही बड़ा मुंह, और हमें अब इसके अंदर से ही जाना है तभी हम बाहर निकल पाएंगे। तो फिर चलो चलते हैं शेर के मुंह के अंदर और निकलते हैं बाहर। ये मेरी प्यारी सी बहन कह रही है इधर 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 आओ, इसकी हंसी देखो कितनी क्यूट सी लग रही है। अब एक और गुफा आ गई है, मेरे को लगा था एग्जिट आ गई है। ओहो इनकी हंसी तो देखो, इनकी स्माइल। तो हम निकल गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं दूसरी गुफा में। ये है माता वैष्णो देवी की, पहले सबसे पहले उनकी चरण पादुका जय माता दी। और अब हम चलते हैं अंदर माता वैष्णो देवी की गुफा में। गुफा के अंदर 9 देवियां विराजमान थी, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, ऐसी सारी देवियां यहाँ मौजूद थी। 9 दुर्गे, नव दुर्गे जिन्हें कहा जाता है, माँ कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो हमने सबके दर्शन करे बारी बारी। ये मेरी मम्मी, बड़ी प्यारी सी है मेरी मम्मी भी। अब आ गई थी मेन गुफा, मेन भवन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा झुक के जाना पड़ा सर बचा के अपना, क्योंकि पहले एक बार मेरे सर अमरनाथ की गुफा में बहुत तेज लगा था धम। तो हम पहुंच गए माता वैष्णो रानी के दर्शन करने। हमने यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन करे, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों मिलकर जब एक हुई तो बन गई माँ शेरों वाली। ये मुझे भजन याद, मुझे बार बार भजन याद आ रहे हैं। उसके बाद माता वैष्णो रानी के बाद हमने किए बाबा भैरवनाथ के दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं माता वैष्णो रानी के दर्शन जब तक पूरे नहीं होते तब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना करो। हमने कर लिए दर्शन और सच बताऊं थक गए, इतनी लंबी गुफा थी बहुत ज्यादा, पसीने पसीने और आ रहे हैं। तो गाइस अब हमने सोचा था अग्रोहा धाम पूरा घूमेंगे, बट अब हम अग्रोहा धाम पूरा नहीं घूम पाए। यहाँ पे झांकियाँ भी थी, एक चंपा देवी को आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि इंसान का खून चूस ले ऐसी धूप है। सूर्य देवता को भी थोड़ी सी लाज नहीं आ रही ऐसी कि थोड़ी सी धूप कम कर ले। सो गाइस अभी जा रहे हैं कुछ हल्का फुल्का खा के और घर निकलेंगे। उसके बाद हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज और बज रहे थे 3। 3 का मतलब आप सोचो लंच नहीं किया हमने। हमने सोचा मौसी को क्या परेशान करना, हम कुछ खा के चलते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पर, हमने ऑर्डर किया, ये देखो शी इज सच अ सोफिस्टिकेटेड लेडी यू नो। तो यार इनका मसाला डोसा आ गया है और मैं अपने मसाले डोसे के लिए वेट कर रही हूँ। यू नो टाइम लगता है, टाइम, पेशेंस, और जब भूख लग रही हो तो पेशेंस, क्या बोला जाए। एंड हमने साथ में मंगा लिए थे गोल गप्पे। मुझे लगता है यार मेरी फैमिली में ना गोल गप्पे के मतलब बहुत ही बड़े फैन हैं सारे के सारे, बट मैं वेट कर रही हूँ अपने डोसे का, मसाले डोसे का। एंड फाइनली यार वेट करने के बाद आ ही गया है,
अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, सच बताऊं बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। फिर हम पहुंच गए थे घर वापस, सबको बाय बोलने के लिए और अपना सामान लेने के लिए, सामान रख लिया था गाड़ी में। एंड अब बोल रहे सबको बाय, मम्मी अब फाइनल एक बारी ट्राई करिए कि इससे मिलके देखूं, बट मम्मी ने बोला ना भाई डर लग रहा है। रात को तो ट्राई किया था तो नहीं मिल पाई थी, अब सुबह भी नहीं मिल पाई। बट ये भव्य को बहुत प्यार करता है मेरी भाभी। कल इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया था। कल ये ना बहुत अच्छा, जब भी हम आते हैं ना ये हमारी बहुत, मतलब आप अगर तुम्हें कमी नहीं रखते, खाना बहुत अच्छा बनाती है। और उसको नहीं 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 खाना बहुत अच्छा बनाती है भाभी हमारी। अरे मैंने टमाटर में खाना बनाया था, तो क्या टमाटर में खाना नहीं बनता। लेकिन इनसे मेरे को एक शिकायत ही आती नहीं है। आऊंगी, कब आओगे? ये हर बार ऐसी कहती है। भैया आ रहे ना, हम दो साल में आते हैं और फिर हर बार ये कहती है आऊंगी। आऊंगी जरूर आऊंगी। तो गाइस अभी हम अग्रोहा घूम के आए थे, डेढ़ साल में और बस अब घर चलेंगे। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।